ये तो बीजेपी का है। या भाई कही अगर रमेश ने टिकट मिल गई तो बहादुर जीत को अलग जो 35,000 रुपए की अंगूठी काट दे तू। हाँ दे तू को काट सब्सक्राइब कर दे मेरे साथ कन्या बहादुर जो छोड़ो छोड़ो बहादुर एक कन्या लेकिन वो दाम थे ना वो कुल से क्या करे बराबर का वो ही बताए बराबर सारे टक्कर पर रहोगे दोनों आज टक्कर पर रहेंगे। जैसे बात करें कोई कोई काम नहीं करा यार। अरे हाँ बहादुर साहब के लिए आओ ही भी दर्शनी को तो प्रवृत्ति पत्र लिखे 20 साल हो गए मुझे देखते हुए 20 साल हो गए अब तो 21 साल बार विधायक रह गए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह, दोस्तों आप देख रहे हैं राज न्यूज केडियल। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र के सिरोही गांव में और जैसे बात करेंगे मेन स्टैंड पे अभी हूं और जानने की कोशिश करेंगे अब की बार विधानसभा में क्या रुख रहने वाला है। और जैसे बात करेंगे नीम का थाना बीजेपी की टिकट है वो प्रेम सिंह बाजोर जो वो पूर्व यहाँ के विधायक थे और मंत्री भी रह चुके हैं किसान उनको मिल चुकी है। अब क्या है आगे की रणनीति जानने की कोशिश करेंगे। राम राम दादा जी, ये गाँव कैसे हो गए? हाँ तो वही है। कई नाम है अपना? नाम का मेरे कम बोल जाए था दादी ये बात करो आप सुबह। हाँ भाई राम राम जी, दादा जी ये गाँव कैसे हो गए? हाँ जगह ये गांव में जी बात कर रहा कताक वोट है कौन सी पार्टी को बताओ भाई? कांग्रेस का ज्यादा सेंट। कांग्रेस का? हाँ कौन सी जाति का वोट है? सभी आ गए 36,000 गांव में। तो जी बात कर रहा 5 साल में विकास कार्य भी हुए थे? हाँ विकास कार्य हुए थे। नीम का थाना थे सिरोही में तो यो को नहीं काम मिलो। अच्छा फिर भी कांग्रेस ने वोट दे दिए थे? हाँ कांग्रेस ने दे दिए। हाँ सिरोही में कौन करे हो? सिरोही में क्यों कौन करे हो? अजय बीजेपी की टिकट है प्रेम सिंह जी बाजोर ने मिल गई, कांग्रेस के किने मिल जाए? हाँ कांग्रेस के किने मिल जाए? अब कांग्रेस की दो खड़े हो रहे थे भाई रमेश ने मिलने जाए। हाँ बात तो यही है दादाजी। थे बताओ था कई साफ सुखाई है अजी? ये बताओ गांव में जो है तो जी कांग्रेस का ज्यादा वोट? कांग्रेस का है साहब। बीजेपी का कहें को नहीं मान के ब्रो क्यों काम गर्ल ने काम को नहीं बीजेपी कोई काम को नहीं? पिछली बार तो चुनाव हुआ जना कताक वोट मिला कांग्रेस कांग्रेस ने और जी जो 23,000 जीते सो गए जीते 2800 का मिला था कि 2800 2000 वोट 2000 ज्यादा मिलेगा? हाँ ज्यादा मिलेगा। तो जी हम बात करा कई मुद्दो रहे विकास को मुद्दो रहे वोट क्या कांग्रेस ने कर दो कांग्रेस ने ज्यादा कांग्रेस काम करवाए से यार यो बहुत काम करवाए तहसील का मान पहले काम से 7 साल को रिकॉर्ड है। जिलों भी बना दिया ना? जिलों से भी मतलब जिला भी बना दिया और काम बहुत किया ना साहब। यही है जिला बनाने वाला ये तो बीजेपी का है। यह आदमी बीजेपी का है कट्टर? हाँ ये बीजेपी का है जब कहता है कांग्रेस नहीं है। राजस्थान सरकार का कार्य खुश हो गया? बिल्कुल खुश। उनकी सरकार आनी चाहिए राजस्थान में? गहलोत की आनी चाहिए। सही है कि साहब गहलोत की आनी चाहिए? ऐसा है बीजेपी के लिए कहीं खेरे तो जी हाँ 2800 कांग्रेस की टिकट कौन सा मिल जाए? मिलनी चाहिए सुरेश मोदी और रमेश खंडेलवाल। तो जी आइए बताओ तैयार बताओ जखान टिकट मिले प्रबल दावेदार कौन सा? अरे टिकट का वोट से कोई सा नहीं मिल जाए कोई जीते को। हाँ हाँ कोई सा नहीं टिकट मिले अगर रमेश ने टिकट मिल गई तो बहादुर जीते को अलग कांड पर देर जीते को। हाँ अच्छा रमेश ने दिया टिकट दे दीजिए। तो तेल की पूड़ी खाए थे आने चाहे थे एक वो मेरे घर कुनिया ठेकेदार से अनुपू दे देखो बीजेपी थे ये बताओ बीजेपी की बीजेपी का शीघ्र हुआ था पूरी विधानसभा में? विधानसभा में देखो महाराज साहब तो कांग्रेस आनी चाहे और उसके हाँ इसको मालूम है राजनीति क्या बताओ जी हाँ विधानसभा में दिया बीजेपी की राम राम जी क्या के हिसाब देखो कांग्रेसी अच्छा अच्छा शुरू से कोई भी किसी आपका मत है कहीं भी जवाब दे बहुत मत तो आप भी करो ही गए आपकी जो अंदर में है जिसको देना दे। यहाँ सिरोही गांव से कभी भी बीजेपी प्लस नहीं रही है कोई भी चुनाव हो मेरी सोच में मेरे देखने में बीजेपी सिरोही गांव से हर चुनाव में माइनस।
तो जी हम बात करें राजस्थान में सरकार के मुताबिक कांग्रेस की बड़ा है नीम का तना उसका ही हुआ। या तो रमेश खंडेलवाल जी को टिकट मिलेगी, मैं दावा की साथ कहता हूँ, कोई सौदा करता है तो कर सकता हूँ मैं साथ, दावा के साथ मैं कुछ हार होगी उसकी। फिर दादाजी फिर दादाजी जीते गुण, फिर जीते गुण जी बाजोर मैं कभी लाओ साथ लो मेरे साथ, पाँच जो 35,000 दे के अंगूठी काट दे दूँ, हाँ दे दूँ को काट सच कराओ कुछ मेरे साथ। अब कहीं जवाब दिलाने हो बाजोर साहब रुकते नहीं, मजाक की बात बताओ दादाजी, बाजोर जी काम से खुश है पिछली 5 साल आया कोई नया बाजोर से, छोड़ो छोड़ो बाजोर एक नंबर आदमी पहला आदमी, लेकिन बाजोर जीत और ये पाकिस्तान का बोर्ड बदल जाए सर, ये बड़ग में बैठा जाए सर को सुने आज ये काम नहीं किया। अच्छा ये वजह सुबह को थोड़ा ज्यादा, हाँ जनाब टिकट कहीं लिए है, टिकट तो दाम लागे थे बेटी का कार्ड का कैम को नहीं मैं बल्द को नहीं ते डांगड़ा मां नहीं बढ़ा रहा क्या रघुवीर सिंह भुदौली जे बेबी निर्दले जे चुनाव, हां यही सा डांगड़ा है जो रघुवीर सिंह भुदौली जे। अब तू यह बता अरे रमेश रमेश करे से रमेश के 3 वोट को नया लेकिन बस दाम से ना बकुल से बके करे। अच्छा वो काका ने दे दे को बटे अरे बार बन टिकट दे देगा, अरे दे दे बता दो लगा ले थारा सवाल इनको ज्ञान का है नहीं वो भैया जितना बात तो कांग्रेस की जनिंग बताना सर साहब टिकट कौन सा बंदा ने मिला या कोई भी नहीं हो चाहिए टिकट सा कोई सा जाओ कांग्रेस आओ बिल्कुल बीजेपी की कहीं स्थिति रह जाए बीजेपी के कुछ फिलहाल खत्म है गाड़ी सारा गांव का भी वीडियो देखेंगे बिल्कुल मैं कह रहा हूं कांग्रेस 70-90% कांग्रेस है सिरोही में कोई देख ले चाहे 90% सिरोही है तो जी पिंटो हमेशा ही लगाऊं भाई नाम से था की दुकान सरपंच जी चाय वाला सरपंच जी चाय वाला मुझे बताओ जी था गाड़ी कहां हुआ था अरे क्या बबड़ी आज हैं कौन सी पार्टी को दबदबा रहा अभी तो कांग्रेस को ही है हां बीजेपी का सीक्रेट है बीजेपी सेकंड नंबर वाला कोई और भी पार्टी का जी काका जी नहीं और भी पार्टी थी ना यहाँ एक तो वो यादव जे एक दीपेंद्र सिंह जे एक वो रघुवीर सिंह तमर भुदली जे निर्दलीय लड़ी ना आज घोषणा भी कर दी हाँ कभी चुनाव सिंह को नहीं आया हाँ निर्दलीय खड़े हुए वोट लेंगे क्यों बिल्कुल लेंगा वोट जैसे बात करें उदयपुर सिंह उदयपुर का था उदयपुर सिंह उदयपुर सिंह डिस्ट्रिक्ट में हाँ जो उदयपुर में कुछ लोग और बैठे हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। राम राम जी दादाजी कौन सा गांव का जो सिरोही का ही ना सिरोही का ही जो हाँ बोटा बटा का ही है वादा हो जाता दादाजी देखो कोई सुरेज की कर रही है कोई बाजोर की कर रही है सब कैसी बता दें हमें टिकट कौन सा नहीं मिल जाए टिकट इन तो मिलेगी एक तो हाँ बीजेपी के तो हाँ और दूसरी कौन मिल जाए कांग्रेस की सुरेश को रोलो करे भाई जाता आएंगे राम राम दादाजी कौन सा काम है दो अठगाई था अठगाई जो कहीं जे चुनाव गया हुआ था ठीक चाल रही थी कौन सी पार्टी को जड़े दब दबो अरे तो भाई सुरेश को थे मिले आएंगे नहीं मिले जनार नहीं मिले जनार के बताऊ फिर कांग्रेस वाला बोले के हां टिकट ले आओ जे कागो रखे बाको तो खास का बेर हो आएंगे तो जी हम बात करा थारा गांव में ज्यादा सुरेश जी को जगह माहौल माहौल है कहीं वजह से बापू जी माहौल अच्छा काम किया है इसलिए अच्छा काम किया है कोई 2-4 गिना सको जो कार्यकाल में काम कर रहा कोई 2-4 काम गिना सको जो काम सड़कों का आ रहा है काम हो आए हैं। अच्छा बढ़िया खुश हो राजस्थान में कौन की सरकार है की बार देखो जी हम टिकटा पर थे तो बात है मैं तो शौक लो तो करा था कई मजे मन पसंद करो ओहो फ्रूट रूट बाद से कैसे अच्छा पेंशन मिले देंगे। नमस्कार जी कौन सा गांव का हो गांव यही है सिरोही सिरोही प्रॉपर गांव में जहां बात करा कताक वोट ही कौन सी पार्टी को वोट तो बोला 12,000 से सिरोही 12,000 हां जी कौन सी पार्टी को दबदबा दे रहे कांग्रेस का कांग्रेस में जिया बात करा टिकट कौन सा मिल जाए टिकट कोई सा नहीं मिल जाए कांग्रेस का नीम का था विधानसभा में की बार कौन विधायक बन जाए कांग्रेस का बनेगा कहीं वजह है कांग्रेस को विधायक कांग्रेस का गलत वजह सरकार गहलोत जी का कार्यकाल खुश हो गए तो विकास कार्य भी है 5 साल खूब कोई कमी नहीं है थाना विकास हाँ कालेजा हॉस्पिटल सब सुविधा जिलों भी बने हाँ जिला की उससे पहले जो है हॉस्पिटल है कालेजा बना दी बीजेपी के टिकट प्रेम सिंह जी बहादुर साहब ने मिली हाँ। कार्यकाल जो पिछले 5 साल को जो खुश आगे भी मिले अरे मिला तो कहने वो केवल खड़े रहते हैं हाँ अरे तो वही प्रमोद सिंह बहादुर दूसरो बहादुर तुम्हारा लेने आगे हैं साहब तो काम
किसी गांव के गांव तो क्या है, देखो विकास के ऊपर डिपेंड है, विकास के ऊपर नहीं, 5 साल सही है काम। सिरोही को तो कुछ दिया नहीं, बीजेपी की टिकट है प्रेम सिंह बाजोर जी ने मिल गई, कांग्रेस की नहीं मिली है, कांग्रेस के वर्तमान विधायक उसी को मिलेगी और किसको मिलेगी। वो भी अच्छा है, क्या दिक्कत है? तो जी विधायक कांग्रेस का बन जाएगा, कई वजह है बीजेपी के थोड़ा जनता कम दे, अब वो खुद कैंडिडेट कम देता है टाइम। अच्छा जिस प्रेम सिंह जी बहादुर साहब वो यहाँ कम रहते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, प्रेम जी अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है, सारे बीजेपी के आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रेम जी बढ़ जाएगा, इसको बराबर टक्कर है बराबर। दादाजी तासाम पूर्वज क्या चुनाव की हवा दवा रहने वाली, जैसे बात करेंगे ये जो ग्राम पंचायत है नीमका थाना विधानसभा में अहम रोल रखती है, जैसे बात करेंगे लगभग 12-13 हज़ार वोट हैं जो इस गांव में रहते हैं। नमस्कार जी, ये गांव का जो फिर पचलेंगे के पास गांव है, उसी विधानसभा क्षेत्र सुरेश मोदी के कांग्रेस से। अच्छा अच्छा, तो जहाँ बीजेपी की टिकट 800 जा रही होगी, कांग्रेस की क्या है सुरेश मोदी, कोई और नहीं मिला जाना कहीं से? नहीं और भी ठीक है, लेकिन मिलेगी हमारे यहाँ संभावना तो है कि कांग्रेस की उन्हीं को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जीतने वाले प्रत्याशी से और काम भी किया उन लोगों ने। और जी हम बात करें पूरी विधानसभा क्षेत्र में कहीं स्थिति है, यहाँ तो कांग्रेस जीते, कांग्रेस की जीत है। तो जी हम बात करें 5 साल में विकास कार्य भी है, काम खूब बढ़िया है, आज 2 कॉलेज करवा दी नीम कथा में, यहाँ किसी तहसील में 1 कॉलेज नहीं, यहाँ 5 कॉलेज है नीम कथा तहसील में, सबसे बड़ा सिर्फ 2 कॉलेज उसने खुद ने करवाई व्यक्तिगत, ताकि जो ग्राम पंचायत है भी मैं कुर्सी पार्टी का ज़्यादा वोट है, यहाँ तो पिछली बार तो कांग्रेस जीती 700 वोट से लीडर से, 700 वोट। अब की बार क्या, अब की बराबर है, बराबर माहौल है, सही है गाँव का। बीजेपी की टिकट है आपके पूर्व विधायक जी को मिली है, क्या जनाधार रहेगा आपके बारे में? वो ही बताए बराबर सारे टक्कर पर रहेंगे दोनों, आज टक्कर पर रहेंगे। जैसे बात करें कोई और भी प्रत्याशी के वोट हैं या फिर इन दो के ही है? बस दो के ही हैं ज़्यादा, यहाँ लोकलिटी में तो कोई 200-400 वोट आए, किसी आए थे नहीं आए, बस इतने आए। मारो तो सही तो मालिक हो इसे यो कर दे इस रोज में बाहर ले तो गलत कर देंगे ना, मान जाओगे कि मालिक ने कर दे को घर को मालिक ही करे को जरा मैं करे को बताओ जी। हां बताओ जी, हां बात करा कता के वोट ही ग्राम पंचायत में कौन सा वोट करे तो ज्यादा डाल दी पंचायत छ नीम का थाना की कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पंचायत है, कौन सी पार्टी ने मिली है वोट ज्यादा? वोट कांग्रेस ने मिली ज्यादा, कांग्रेस ने मिली। कांग्रेस में जो टिकट ले रहा है देखो तब तक रहे या फिर निर्दल है? टिकट को रखो, टिकट अलग साथ करो, कौन सा मिल जाए टिकट अपने वहां? टिकट दोनों की है या तो सुरेश की या रमेश की, दोनों तो मिलेगी, एक ही मिलेगी नहीं, मतलब कोई सा नहीं मिल जाएगा, जीत जाएगा वही जीता वो। बीजेपी की कहीं स्थिति रहता है? बीजेपी कौन सी चढ़ी कहीं मुझे है? कोई काम नहीं कराया अरे अरे हाथ बहादुर साहब के आओ ही भी दर्शनी कौन दिया टिकट कह देती तो मैंने टिकट तो अरे पैसा मिल जाए पर लागन तिजोरी में गिरे थे फंड में पार्टी बीजेपी वाला देख रहे हैं 1000 आरोप लगा रहे होते हैं लगन सबूत ही है 5 साल बाद में देख रहे हैं क्या दिक्कत है सचिन बार जीत जा छेड़े दस दिन आए जो मात्र सुरू कोत में अच्छा 10 दिन में जीत रही हो रहा अच्छा 10 दिन में तो आपकी बार हो जी टिकट मिल गया आपकी बार कहीं जैसी मुश्किल है आपकी बार मुश्किल है चार साल 11 महीना नीम का हम कभी नहीं आते हैं और बाकी के काम 1 महीने के लिए आते हैं। जीतने के बाद वो तो प्रवृत्ति बदल, जिसे 20 साल हो गए मुझे देखते हुए यहाँ 20 साल हो गए, अब तो 21 साल बार विधायक रह गए, वो 2 बार विधायक रह गए 2 बार हार गए, बस उन्होंने कभी आने का काम ही नहीं करते नीम का थाना में भी बात में दम सही से। तो जैसे बात करेंगे ये सिरोही गांव के मेन स्टैंड का नज़ारा था, जैसे बात करेंगे लगभग लोगों की सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे 70% कांग्रेस के वोट हैं, ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा कि 70% वोट आते हैं, किसको टिकट मिल पाती है किसको टिकट नहीं मिल पाती है, ये संपूर्ण बातें चुनाव होने के बाद ही साफ हो पाएंगी।